प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आज के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी गुरुग्राम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा वासियों से प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जल्द ही हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों की भी घोषणा होगी। मित्रों, जैसा आपको जानकारी है कि परसों सोमवार को प्रधानमंत्री जी यहां आ रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे उसका जो उद्घाटन है उसके लिए वो स्वयं पधार रहे हैं। तो पहले भी एक दिन को कहा था जब रेवाड़ी आए थे, लेकिन वो स्वयं का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें मैं स्वयं वहीं पर आकर के और स्टेशन वहाँ जो है उसका उद्घाटन करने आऊँगा। और गुरुग्राम में 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के साथ ही अन्य कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान रैली भी करेंगे। रैली में आने वाले वाहनों की भीड़ को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भी आमजन की सुविधा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यही कहा कि हरियाणा वासियों से ज्यादा प्यार करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तमाम तैयारियों का आज मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। अगर इन तैयारियों की बात करें तो इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि तमाम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी अलग अलग राज्यों में जाकर लोकसभा की तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार कर सके। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार।